मेनका ने क्यों ठुकरा दिया था विश्वामित्र का प्यार, पौराणिक कथा आइए जानते हैं। स्वर्ग की अप्सरा और ऋषि विश्वामित्र की गजब प्रेम कहानी आखिर क्या कहती है। भयानक वन में एकांत बैठे ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। पृथ्वी अपनी गति से घूम रही थी, लेकिन विश्वामित्र अपनी तपस्या में इस तरह से खोए थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। धीरे धीरे उनके तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। नारद मुनि ने देवराज इंद्र को बताया कि पृथ्वी लोक में एक ऋषि वन में घोर तपस्या में लीन है, उनकी तपस्या में किसी भी तरह से विघ्न डालना होगा। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और उससे धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र को पूरा विश्वास था कि विश्वामित्र मेनका की खूबसूरती में ऐसे खो जाएंगे कि अपनी तपस्या छोड़ देंगे। कई कई सालों से तपस्या में बैठे विश्वामित्र का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन पर मेनका की उपस्थिति का कोई असर नहीं पड़ा, वो काम को अपने वश में कर चुके थे। मेनका में वो सभी गुण थे जो मृत्युलोक की नारी में होने चाहिए। इसके अलावा सुंदरता की मूरत अप्सरा मेनका अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन ऋषि के तप को भंग करना आसान कार्य नहीं था। कामदेव ने भी विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए। इस योजना में मेनका और इंद्र ने साथ दिया। आखिरकार कामदेव के कामुक तीरों का जादू ऋषि विश्वामित्र पर चल गया। वो मेनका के रूप और सौंदर्य की ओर ऐसे आकर्षित हुए कि तपस्या से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र के हृदय में मेनका के लिए प्रेम के अंकुर फूटने लगे। मेनका जिस योजना के साथ धरती पर आई थी वो काम सफल हो गया। ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी, वो अब मन ही मन उनके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगी। मेनका ने अपने बारे में ऋषि को कुछ नहीं बताया, उसे उनके क्रोध से डर लगने लगा। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मेनका को ये भी डर था कि अभी अगर वो विश्वामित्र का साथ छोड़कर गई तो वो दोबारा तपस्या में बैठ जाएंगे। उनके साथ गृहस्थ आश्रम बिताने के कुछ वर्षों बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब सन्यासी विश्वामित्र पूरी तरह से गृहस्थ बन चुके थे। मेनका अपनी नन्ही पुत्री के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ पर इंद्र प्रकट हुए। देवराज इंद्र ने मेनका को याद दिलाया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। इंद्र ने कहा कि अब धरती पर उसका काम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो स्वर्ग लौट आए। मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, वो विलाप करने लगी। इंद्र ने मेनका से कहा, अगर तुम स्वर्ग नहीं लौटी तो मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र को मेनका ने बताया कि वो स्वर्ग लोक की अप्सरा है और उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने उसे धरती पर भेजा था। ये सुनकर विश्वामित्र बहुत दुखी हुए। मेनका ने अपनी पुत्री को वहीं छोड़ा और उनसे विदा ले ली। विश्वामित्र ने उस कन्या को जंगल में एक ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। बाद में वही कन्या शकुंतला के नाम से जानी गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहें माइथोलॉजी मैक्स के साथ।